हाय गाइस, कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और खुश होंगे हमेशा की तरह। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक वीडियो, रेसिपी वीडियो है। उसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि लड्डू कैसे बनाते हैं, चने के लड्डू कैसे बनाते हैं। तो आप देखने, अरे कहना क्या चाहते हो? दिखाऊंगी आपको आधी प्रोसेस में। हमारे मेरी मम्मी ने कर दी थी जब मैं नहीं थी, मैं भूल गई थी तब। तो अभी जो प्रोसेस बाकी है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो लेट्स गो एंड करते हैं स्टार्ट वीडियो। यहाँ गाइस देखो, लड्डू बन रहे हैं। किसके? चना के लड्डू। और इधर हमने चांसड़ी बनाने के लिए रखी हुई है। मेरे को हिंदी में थोड़ा दिक्कत होगा गाइज। पहले हमने ने चना की दाल को पीसने के लिए दिया हुआ था, फिर उसके बाद उसके मुट्ठिये करके बनाए हुए थे, और उसके बाद इसको भी हमने कूट लिया है उसको तल के। तो ऐसा हमने पाउडर बना लिया है। अभी जो चाशनी बन रही है वो इसमें डालेंगे, देन उसको घी भी डालेंगे उसमें, और उसके लड्डू बनाएंगे और आपको दिखाते रहेंगे। ठीक है, देखो ये ना खांड, उसको पूरे का पूरा उसमें क्या मिक्स कर देना है, वो पानी जैसा हो जाए उसको फिर देखना है। कैसे देखते हैं वो भी सिखाएंगे। एक तार की चाशनी जितना करना होता है। इसमें अभी हमने कलर डाला हुआ है, लड्डू का कलर आता है फूड कलर, वो डाला हुआ है। तो इस चाशनी में वो डालते हैं तो जो कलर चाहिए हमको वो मिल जाता है। ऐसे वैसे मिक्स करते रहना चाहिए और उसमें देखते रहना चाहिए कि कितना कितना तार बन रही है या नहीं। तो अभी वो दिखाती हूँ कैसे चेक करते हैं। ये गाइस ऐसे फोकस ही नहीं हो रहा है। अभी ऐसे पूरी एक सिंगल तार की चाशनी बननी चाहिए। तो आपका ये अच्छे से चाशनी हो गई है ऐसा समझ लेना। ठीक है, तो आपको मैंने दिखाया है इस तरह से होना चाहिए। जल्दी जल्दी करना पड़ता है तो मेरे को है वीडियो थोड़ा बनाने में मुश्किल होगी। तो ठीक है, चलो देखते हैं। इसको अभी इधर रखेंगे, अभी इसमें डालेंगे जो हमारा लॉट था वो आपको दिखाऊंगी। ये इसमें ज्यादा लोग लगते हैं तो जल्दी जल्दी करना पड़ता है। अभी इसमें घी, देसी घी डालना है। गाइस देखो कितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत टेस्टी है वो खाएंगे तब पता चलेगा। ये ना आपको मामा जैसा लग रहा होगा। ऐसे पूरे का पूरा माल निकाल लेना चाहिए इसमें से कुछ नहीं रखना चाहिए क्योंकि इसमें भी पैसे लगे हुए हैं। गाइस ये आप जितने दिन तक आप खा सकते हो उतने दिन तक स्टोर भी कर सकते हो इसको। तो आप स्टोर भी कर सकते हो उसके लड्डू बना के।
हमारे यहाँ होली पे ऐसे सब बनाते हैं, लड्डू चेवड़ा सब सब बनाते हैं, साटा पेड़ा गाठिया सब हमारे गुजरातियों में खाने के लिए सब फेमस है, तो इसलिए गुजराती को खाना तो चाहिए। और ये हम घर पे ही बनाते हैं क्योंकि अच्छा रहता है बाहर का लेके उसके लिए। देखो कैसे होते हैं लड्डू, वो दिखाती हूँ। ऐसे करना है फिर ऐसे करना है। देखो ये पहला लड्डू भगवान जी के लिए, अब सारे बन जाएंगे तब दिखाऊंगी।